नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां सीएम खाद कारखाना के पास निर्माणाधीन सैनिक स्कूल और फिर गोरधैया नाले का निरीक्षण करेंगे। वहीं शाम को आरपीए एकेडमी ग्रीन सिटी में गैलेंट आयुर्वेद ज्योतिष महासमागम 2022 में बतौर मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अगले दिन रविवार को सीएम योगी कमिश्नरी सभागार में विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर अपने 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ ही जनपद में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे, साथ ही कानून व्यवस्था के लिए एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। ये बैठक वो अधिकारियों के साथ करेंगे। इस दौरान जनपद में हो रहे तमाम अपराधों और तमाम जो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है उसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ जो भी जनपद में विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जो भी जनपद में विकास कार्य हो रहे हैं, उनका भी जायजा लेंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी गोरखपुर पहुंच रहे हैं, जहां वो आरपीएम एकेडमी ग्रीन सिटी में गैलेंट आयुर्वेद ज्योतिष महासमागम 2022 में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के साथ ही कल यानी कि रविवार को सीएम योगी कमिश्नरी सभागार में विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। साथ ही योगी आदित्यनाथ जनपद में विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे कि अभी तक जनपद में विकास कार्यों की प्रगति क्या है, जो भी सरकार द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं उनकी प्रगति क्या है। इन्हीं सब तमाम अहम मुद्दों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो जनपद में विकास कार्यों का जायजा लेंगे, साथ ही कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खाद कारखाना के पास निर्माणाधीन सैनिक स्कूल और फिर गोरधैया नाले का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही वो विकास कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की है उसी दौरान वो अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे थे। साथ ही योगी अपने दूसरे कार्यकाल में शिक्षा को लेकर भी काफी सजग नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की और लगातार अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान वो तमाम बैठकों के जरिए सभी विभागों की जहां एक तरफ लखनऊ में बैठक कर रहे हैं, 100 दिनों का खाका तैयार कर रहे हैं कि आखिर 100 दिनों में कैसे काम किया जाए, तो दूसरी तरफ योगी अपने जनपद में भी लगातार पहुंच रहे हैं। वहां के जो निर्माण कार्य है, जो विकास कार्य है, साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था है उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज 2 दिवसीय दौरे पर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच रहे हैं, तो करीब कितने बजे तक वो गोरखपुर पहुंचेंगे? अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर हेलीकॉप्टर से सीधे खाद कारखाने उतरेंगे, वहां पे निर्माणाधीन सैनिक स्कूल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वो गोरधैया नाला शाहपुर में जाएंगे, वहां पे देखेंगे, क्योंकि 900 करोड़ से ऊपर की लागत से बनने वाला पक्का गोरधैया नाला जो है, इसको पक्का बनाने की इन्होंने योजना बनाई थी ताकि पानी के निकासी हो सके और जल जमाव से लोगों को जो है राहत मिल सके। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जाके उसका भी निरीक्षण करेंगे। इसके बाद उनको ग्रीन सिटी में जाना है, जहाँ एक कार्यक्रम है उनका। इसके बाद प्रातः जो है कल उसके बाद गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और फिर प्रातः उनको जो है अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करनी है और जनता दरबार लगाना। हिमांशु, और क्या क्या अन्य कार्यक्रम सीएम योगी के निर्धारित किए गए हैं गोरखपुर में? जी बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और अन्य जितनी भी परियोजनाएं हैं, चाहे आयुष विद्यालय का हो, उन सभी की जो है समीक्षा बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ। जिलाधिकारी रहेंगे, कमिश्नर रहेंगे, ऐसे में सभी के साथ बैठ करके वो जो है एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उसमें डॉक्टर्स भी रहेंगे कि किस तरीके से कहाँ तक कार्य प्रगति पे है, इसे किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। हिमांशु, अगर देखा जाए तो योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही ये साफ साफ कह चुके थे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी, तो गोरखपुर में क्या नजारा देखने को मिल रहा है कानून व्यवस्था को लेकर? बिल्कुल, बता दें गोरखपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। गोरखपुर पूरे मंडल की ही बात कर लें आप, कि पूरी तरह से पुलिस यहां पे सतर्क रह रही है, जन सुनवाई है। चूंकि योगी आदित्यनाथ का हाल ही में आदेश भी आया है कि थाने में जाने वाले जितने भी
लोग होंगे जिनको भी पीड़ित होंगे वो जगह जाते हैं तो उनकी जो है पूरी तरह से सुनवाई हो और उनके साथ जो है नम्र व्यवहार किया जाए, उनको पानी पिलाया जाए, उनको बैठाया जाए ताकि उनको लगे कि हाँ कहीं से भी, जैसे पुलिस विभाग में कभी प्रशासन में होता रहा है, पिछली सरकारों में भी होता रहा है कि जाहिर सी बात है कि पब्लिक जाती है तो उससे दुराचार होता है, लेकिन इस चाहते हैं योगी आदित्यनाथ की सॉफ्ट पुलिस की भावना और निखर के सामने आए। हिमांशु, योगी आदित्यनाथ जब जब गोरखपुर पहुंचते हैं वो जनता दरबार हमेशा लगाते हैं, तो क्या इस बार भी योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाएंगे? जी बिल्कुल, प्रातः जो है उठने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है गुरु के दर्शन करेंगे, गुरु गोरखनाथ का जो है वैदिक उच्चारणों के साथ जो है मंत्राभिषेक के साथ पूजन करेंगे, इसके बाद से ही अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद से ही जनता दर्शन का कार्यक्रम करेंगे। अगर हिमांशु देखा जाए तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जनता दरबार लगाया जाता है तो लोगों में कितनी खुशी देखने को मिल रही है। जब जब भी योगी ने जनता दरबार लगाया है तमाम जो लोग हैं, जो फरियादी हैं वो योगी के पास पहुंचते हैं, तो लोगों में कितना संतोष नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जनता दरबार में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया जाता है और जितने भी पीड़ित आते हैं उनको बताया भी जाता है कि आप अस्वस्थ रहिए, आपका जो है कार्य होगा और पूरी तरह से आपके कार्य को जो है हम लोग करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। और इसमें जो होता है सीएम योगी आदित्यनाथ के पास आने के लिए सिर्फ गोरखपुर से ही नहीं, मंडल से नहीं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों से भी लोग आते हैं और जनता दर्शन के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। उसके लिए पहले से वो रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना होता है, पहले से ही समय लेना होता है जब योगी आदित्यनाथ आते हैं। हिमांशु, गोरखपुर में ऐसी कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनकी समीक्षा करेंगे कल योगी आदित्यनाथ? मुख्य रूप से दो ही है, एक सैनिक स्कूल का है जो निर्माणाधीन है, उसकी जो है उसका जो है निरीक्षण भी करना है उनको कि कहाँ तक कार्य प्रगति पहुंचा है, किस तरीके से हो रहा है, इसका निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों से निर्देश भी दे सकते हैं योगी आदित्यनाथ की किस तरीके से कार्य किया जाए। इसके अलावा जो है गुड़धैया नाले का उनको निरीक्षण करना है। हिमांशु, अगर बात करी जाए तो गोरखपुर में सैनिक स्कूल के निर्माण से कितना कुछ फायदा वहां के लोगों को मिलेगा? जी बिल्कुल, सैनिक स्कूल का निर्माण जो है निर्माणाधीन, चूंकि एक ही सैनिक स्कूल यहाँ पे था, ऐसे में फर्टिलाइजर स्थित कारखाना में केंद्रीय सैनिक स्कूल जो है उसको पूरी तरह से नव निर्माण का कार्य किया जा रहा है और उसके नव निर्माण कार्य से लोगों को सुविधा मिलेगी, लोगों के जितने भी बच्चे होते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सकती है। जहाँ एक तरफ श्रावस्ती में योगी आदित्यनाथ ने खुद स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब वो सैनिक स्कूल का जो निर्माण हो रहा है उसकी भी समीक्षा करेंगे, तो इससे ये साफ कहा जा सकता है हिमांशु कि योगी आदित्यनाथ शिक्षा को लेकर बेहद सतर्क है। जी बिल्कुल, शिक्षा को लेकर के योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सतर्क हैं और पूरी तरह संयम मेरा जी तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु धन्यवाद। तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं, इस दौरान वो तमाम जो विकास कार्य है उनकी समीक्षा करने के साथ ही जनपद की कानून व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे योगी आदित्यनाथ। इस दौरान वो तमाम अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, उनसे जनपद का हाल जानेंगे कि आखिर किस तरह से जो प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है, अपराध पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। गैलट आयुर्वेद ज्योतिष महासमागम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के पांच लोगों की गला काटकर हत्या कर दी गई। मामला खागलपुर गांव का है। मरने वालों में पति पत्नी और उनके तीन बच्चे शामिल है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है और मामले की बारीकी से जांच कर रही है। मृतक परिवार मूल रूप से कौशाम्बी का रहने वाला था, वो लोग नवाबगंज के खागलपुर में किराए के मकान में रह रहे थे। पुलिस ने फिलहाल बताया है कि हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। वही मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है, साथ ही अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। तो आज प्रयागराज से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक ही परिवार के पांच लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या कुछ है ये पूरा मामला? दिल दहला देने वाली एक वारदात की खबर सामने आई है, जो कि प्रयागराज से है।
आपको बता दें कि एक ही परिवार के 5 लोगों की आज निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। और वहीं आपको बता दें कि पति पत्नी दंपत्ति समेत 3 बच्चे की हत्या हुई है। और इस हत्या का अगर देखें तो अभी एंगल को निकालने के लिए पुलिस हर एक भरसक प्रयास कर रही है कि आखिर ये हत्या है या सुसाइड है। वहीं आपको बता दें कि जो 3 बच्चियां थी वो 3 बच्चियों का गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या किया गया था। वहीं पास में जो फावड़ा इस घटने में उपयोग किया गया था उसी में उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि जो उनके पति थे, जो दंपत्ति के पति थे, वो उनकी लाश वॉशरूम में टंगी मिली है, जिसमें साफ तौर पे पुलिस का ये कहना है कि अगर ये 2 एंगल हो सकता है, इसमें साफ तौर पे देखे तो जो पति है उनका कहीं उनके चोट की निशान नहीं है बल्कि उनके कपड़ों पे खून के निशान है। तो पुलिस का ये मानना है, पुलिस रिपोर्ट्स के, कि ये हो सकता है कि हत्या करके और सुसाइड एंगल तैयार करने को लेकर जो हत्यारे हैं वो इन्हें सूली पे चढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हत्या करने के बाद हो सकता है कि इनके पति फंदे पे लटक गए हो, तो ये सब जांच का विषय है और जांच के बाद सामने आएगा। मौके पे आपको बता दें कि जो मृतका की बहन है, अगर उनका बयान सुने तो वो सीधा सीधा ससुराल पक्ष पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने ही पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा है। तो इस मामले में अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कहा है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि प्रयागराज सिराथू से 35 किलोमीटर दूर खरगापुर में ये लोग किराए की मकान में रहते थे और इनकी बहन का साफ तौर पे आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो ससुराल की तरफ से विवाद के बाद ऐसे हत्या का जो क्रिया योजन किया गया है वो ससुराल पक्ष से किया गया। तो इसमें साफ तौर पे ये जांच का विषय है और जांच के बाद ये सामने आएगा। आपको बता दें कि मौके पर डॉग स्क्वाड से लेकर फिंगरप्रिंट की पहचानने वाली टीम और फॉरेंसिक टीम, तमाम वो अधिकारी मौजूद है, चाहे बात की जाए डीएम की, चाहे बात की जाए क्षेत्रीय विधायक की, तो हर एक आला अधिकारी और तमाम जिम्मेदार मौजूद है और पूरी निष्पक्षता के साथ पूरा जांच किया जाएगा। जांच के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये कहा जा सकेगा कि आखिर किस तरह से ये किया गया। वहीं आपको बता दें कि आरोपी अगर कोई बाहरी है तो आसपास ये ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी सीसीटीवी फुटेज के उतने संसाधन नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को कड़ा मशक्कत करना पड़ सकता है कि अपराधी को ढूंढने में। और अगर देखें तो सीसीटीवी फुटेज और ऐसे कई सारे पहलुओं को पुलिस खंगालेगी और जो आरोपी है उनपे, उनको खोजने पे, उनके नकेल कसने के लिए हर एक प्रयास करेगी। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को मुख्यमंत्री संज्ञान में लेते हुए पूरी तरफ से उनकी तरफ से कहा गया है कि इसको इस पे पूरी जांच की जाए और साथ ही साथ निष्पक्ष तरीके से जो सामने हो उसको लाया जाए। मुस्कान, आपको बता दें कि 5 लोगों की ऐसे निर्मम हत्या होना ये कोई मामूली बात नहीं है, तो क्या आसपास जिनके घर मौजूद थे क्या उन्होंने इसकी आवाज नहीं सुनी? क्या उनको इस मामले का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं हुआ कि आखिर उस घर में क्या हो रहा है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि ये जो इलाका है सिराथू, ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या का है, तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो तूल पकड़ेगा और इसकी जांच जरूर सही से होगी, निष्पक्ष तरीके से मामला सामने होगा। वहीं आपके सवाल पे लौटूं तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो पड़ोसियों की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई जब ये, क्योंकि एक घर में 5 लोगों का निर्मम तरीके से हत्या हो रहा है और चीख पुकार से पूरा इलाका और कमरा गूंजा होगा, तो कहीं ना कहीं पड़ोसियों तक आवाज गई होगी या नहीं गई होगी, ये जांच के विषय है और जांच के बाद पता चलेगा। और वही अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए क्या कुछ आदेश जारी किया है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि एडीजी जो उनको उन्होंने तलब किया, साथ ही साथ डीजी भी इस मामले में सम्मिलित होते हुए जो वहां के आला अधिकारी है, चाहे बात की जाए जिला अधिकारी की चाहे डीएम की, तो सबको एक निर्देश गया है सीएम ऑफिस की तरफ से पूरी निष्पक्षता के साथ हर एक पहलुओं को देखकर और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही जा रही है। वही आपको बता दें कि इस गांव में विगत 5 महीने पहले एक ऐसी ही घटना हुई थी, लगभग बीते कुछ दिन पहले, तो कहीं ना कहीं देखे तो ये जांच का विषय होगा। हो सकता है कोई ऐसा भी हो जो साइको किलर हो, और साइको जो ऐसे होते हैं, ऐसे कृत्य करते हैं, अभी हाल ही में ऐसे कुछ मामले आए हैं, तो पुलिस अभी ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन पुलिस इस कृत्य को जांच कर और जो सच होगा उसको सामने रखेगी। यानी कि विभांशु, अभी पुलिस पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही इंतजार कर रही है, उसके बाद कुछ आगे की कार्रवाई की जाएगी इस मामले पे।
जी मुस्कान, अभी अगर बात की जाए तो जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दी गई है, और वही अगर देखे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट और तमाम जो ऐसे पहलू हैं और डॉग स्क्वाड की टीम जो कि अहम भूमिका निभाती है ऐसे केसेस में, तो कहीं ना कहीं देखे तो इन सब जो जांच के तरीके हैं पुलिस प्रशासन के, उसके बाद ये कहना साफ होगा कि किस तरह से ये हत्या को अंजाम दिया गया या ये सुसाइड है, और पुलिस प्रशासन इस पे पूरा अपना दमखम लगाकर और जांच कर रहा है। कहीं ना कहीं ये अगर मामला देखा जाए तो आज लोगों की नींद खुलते ही ऐसा वारदात देखते ही कि कहीं ना कहीं लोगों को एक भय और समस्या सी लगी, जिससे पुलिस प्रशासन भी इसमें अमला भी लग चुका है, वहीं सीएम की भी इस मामले को संज्ञान ले चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली घटना इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया। इन 5 लोगों में पति पत्नी समेत 3 बच्चियां शामिल थी। वही इस पूरे हत्याकांड के बाद से पूरे प्रयागराज में सनसनी फैली हुई है। वही इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल इस मामले पर कार्रवाई करने का और साथ ही जांच का भी आदेश दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।